नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल दैनिक अर्थ प्रकाश की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम एक बार फिर जो दैनिक हिंदी समाचार पत्र हैं उनकी प्रमुख पृष्ठों पर जो छपी हुई समाचार खबरें हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे जो सभी अखबारों के जो स्थानीय संस्करण हैं, लोकल एडिशन हैं, उन पर भी हम थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे। इससे पहले कि हम भिन्न भिन्न समाचार पत्रों को लेकर बात करें, सभी समाचार पत्रों में जो मुख्य रूप से प्रकाशित समाचार आज का है, जिसको हम लीड न्यूज बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख, लेह लद्दाख के उनके अचानक दौरे की जो है विश्व भर में खूब चर्चा हुई। ये दौरा उन्होंने अपने नौजवानों को, अपने जवानों को और सीमा पर तैनात जो प्रहरी हैं उनको और देश की जनता को जो है उनका हौसला अफजाई करने के लिए जो है ये दौरा उन्होंने किया है। इस दौरे से संबंधित समाचार जो भिन्न भिन्न जो अखबारों में छपे हैं उनकी मैं हेडलाइन आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जैसे दैनिक अर्थ प्रकाश, उसका लीड समाचार है, उसका समाचार का जो शीर्षक है, विस्तारवाद वाली ताकतें मिट गई, लेह में दहाड़ा देश का प्रधान, चीन को दिया सख्त संदेश। इसके साथ दैनिक जागरण की लीड है, शीर्षक जो है, अब लग चुके हैं विस्तारवाद के दिन, मोदी। और अमर उजाला का शीर्षक है, विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका, मिट गई ऐसी ताकत। पंजाब केसरी का कहना है, विस्तारवाद की जिद करने वालों से हमेशा विश्व शांति को खतरा। दैनिक भास्कर, उनका शीर्षक है, विस्तारवादी नीतियों वाले चीन को चुनौती, सिंहनाद। मोदी ने कहा, इतिहास गवाह है, विस्तारवादी ताकतें मिट जाती हैं। और दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, विस्तारवाद नहीं विकास का युग। ये लगभग मिलते जुलते जो समाचारों के जो शीर्षक हैं, ये एक संदेश भारत की ओर से ना केवल चीन को बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश जो दिया गया है इसके माध्यम से, जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पे अपना वक्तव्य दिया, जो सैनिकों को संदेश दिया, उनको संबोधन किया, जो उसमें उन्होंने बड़े साफ दो टूक शब्दों में उन्होंने चीन को जो है ललकारा भी है और ये भी बताया है कि हम शांति दूत भी हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण का एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि जैसे शांति की धुन बांसुरी की हम पूजा करते हैं, उसके साथ ही ये भी ना भूलिए कि दूसरे हाथ में कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र भी है। सुदर्शन चक्र का घातक परिणाम उन्होंने अपने अंदाज में परोक्ष रूप में जो सीमा के उस पार से हमलावर जो देश है उसको ये संदेश उन्होंने दो टूक दिया है। उन्होंने एक तरह से कहा है कि अगर ये महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का अहिंसावादी देश है तो इसके साथ ही साथ ये भी मत भूलिए कि वह अपने अस्तित्व के लिए और अपने गौरव को कायम रखने के लिए वो किसी दूसरी जो सुदर्शन चक्र जैसी जो बातें हैं, वो जो हमें पग हैं वो भी हम उठाने से चूकेंगे नहीं। इसका संदेश वाकई ही विश्व भर में जो गया है वो एक तरह से चीन इससे बखलाया भी है। चीन ने कहा भी है कि ऐसी विस्तारवादी हम विस्तारवादी नहीं हैं, ये नहीं है। हालांकि सभी जानते हैं कि अभी कल ही अभी उन्होंने एक नया दावा, रूस का एक शहर है उस पर भी अपना दावा ठोका है। तो ये बातें जो है ये देश प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने दौरे के माध्यम से उनको चेताया भी है, चौंकाया भी है, ललकारा भी है और ये भी कहा है कि हम शांति प्रिय देश हैं और शांति से हर मामले का जो है हल करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं समाचारों के चार हैं जो पृष्ठ एक पर छपे हुए हैं भिन्न भिन्न समाचार पत्रों के। जैसे मैंने दैनिक अर्थ प्रकाश की बात की, इसमें एक बड़ी दर्दनाक खबर पाकिस्तान से, जो सिख यात्री थे वो ननकाना साहब और दूसरी जो यात्रा करने के लिए जा रहे थे, आ रहे थे और
रास्ते में ही उनका जो ट्रेन के साथ उनकी जो वाहन था वो टकरा गया, जिससे 19 सिख श्रद्धालुओं का जो है देहांत हो गया। इसी तरह से और राम मंदिर निर्माण के लिए बैठक 18 जुलाई को बुलाई गई है। और एक उत्तर प्रदेश से बड़ा सनसनीखेज समाचार है, वहाँ पे एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस गई, लेकिन वो हिस्ट्री शीटर जो है वो इतना शातिर थे, वो उन्होंने पुलिस को ही घेर लिया और पुलिस के 8 जो जवान थे एक अधिकारी उनको जो है उनका जो वहाँ पे वो शहीद हो गए, उनका निधन हो गया उनके हमले। अब हम चलते हैं दैनिक ट्रिब्यून। दैनिक ट्रिब्यून ने मोदी का समाचार हमने बता दिया है, सेकंड लीड की बात करेंगे या जो बॉटम सप्लाइटी समाचार है उनकी बात करेंगे। जो दैनिक ट्रिब्यून की सेकंड लीड है, साइबर स्ट्राइक के बाद अब चीन को इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि बिजली के जो उपकरण हैं उनका भी जो आयात जो चीन से होता था उस पर भी कई तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो लगाने की बात समाचार में है। इसके अलावा कोरोना के रिकॉर्ड 20,930 नए केस, ये नया रिकॉर्ड, हर रोज ही कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या देश में निरंतर दैनिक के हिसाब से हर रोज बढ़ रही है। और इसके साथ ही इनका जो समाचार बॉटम पे है, नीट और जेईई परीक्षा सितंबर तक स्थगित। और एक बात जो सभी लगभग सभी समाचार पत्रों में आप कॉमन रूप से देख सकते हैं वो है सरोज खान जो एक कोरियोग्राफर यानी कि नृत्य की, जिसको मास्टर जी भी कहा जाता है, जो नृत्य सिखाती थी और बम्बई में बॉलीवुड में उनका नाम जो है बहुत शीर्ष रूप में लिया जाता है, उनको कई तरह के राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनका देहांत होने का समाचार, दुखद समाचार जो है वो सभी अखबारों में है। सरोज खान का परिवार और सरोज खान का जो कार्य काम है, जो उसका जीवन चरित्र है, वो एक तरह का प्रेरणादायक है। पाकिस्तान से खाली हाथ परिवार समेत उनके माता पिता आए, यहाँ आकर उनका बम्बई में जन्म हुआ और उसके साथ ही 3 साल की आयु में ही वो अपनी ही परछाई को देख देख कर नृत्य करने लगी। तो उसके माता पिता ने सोचा कि शायद इसको कोई मानसिक पीड़ा है, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं है, इसको आप फिल्मों में डालिए। तो इस तरह से उन्होंने, सरोज खान का नाम भी पहले कुछ और था, निर्मला टाइप, लेकिन उनके पिता ने सिर्फ इस वजह से कि समाज में उनकी बदनामी ना हो, क्योंकि फिल्मों को उन दिनों में भला नहीं अच्छा नहीं समझा जाता था, तो सरोज खान का नाम उस वक्त उन्होंने बदल कर रखा है ताकि वो पर्दे में रहे परिवार की बात। इसके साथ ही हम चलते हैं दैनिक जागरण की ओर। दैनिक जागरण में कानपुर में हिस्ट्री शीटर की जो समाचार जो मैंने बताया है, उत्तर प्रदेश का 8 पुलिसकर्मियों की जो है वहाँ मौत हो गई हिंसक झड़प के दौरान, और हरियाणा में हुए 672 उपचार के साथ ठीक हुए जो कोरोना के जो मरीज थे, ये एक सुखद समाचार के रूप में हम इसको मान सकते हैं। पाक में भीषण हादसा, वही सिख श्रद्धालुओं का समाचार है, कल से घर बैठे बैठे होंगे बाबा भगवान जी के दर्शन। ये जैसा कि आप जानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा के बारे में भिन्न भिन्न समाचार आ रहे हैं कि यात्रा हो या ना हो, तो उसको जो है ऑनलाइन जैसे कहते हैं आजकल वेब टीवी का जमाना है, तो उस तरह से दिखाने का जो है वो प्रयत्न किया जाएगा। दैनिक भास्कर की जो हेडलाइन के बाद मोदी जी के समाचार के बाद नीचे जो समाचार दिए हैं वो है बॉटम स्टोरी जो उनकी है, स्टोरियों ने 4500 रुपये में मोहाली के गांव का ग्राउंड किराए पर लिया, श्रीलंका का T20 लीग बताकर खिलाया, लाइव स्ट्रीमिंग भी करवाई। ये बड़ा अजीबोगरीब समाचार है कि ये बताएगा कि श्रीलंका में मैच होगा, जबकि वहाँ के एक गांव का जो मैदान था वो किराए पर लेकर उन्होंने वहीं पे शूटिंग की और बाकायदा मुखौटे लगाकर जो है मास्क लगाकर ऐसे जो है उन्होंने हेरा फेरी का काम किया। और इसके साथ ही इन्होंने अलवर में भूकंप का केंद्र, दिल्ली NCR से 4 राज्यों में भूकंप के झटके का समाचार भी दिया है। हम चलते हैं आगे पंजाब केसरी की ओर। पंजाब केसरी के जो समाचार है उन्होंने लीड समाचार जो है मोदी जी के समाचार से भी ऊपर जो रखा वो कराची के पास बस ट्रेन में जो 19 सिख यात्री सिख श्रद्धालु मारे गए उनका समाचार भी दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने 262 पायलटों को विमान उड़ाने से रोका, और क्योंकि ये समाचार में ये बात है कि वो उनके जो अपने लाइसेंस जो वगैरह जो बनाए हुए थे
वो जाली छाप निकले हैं, उनके कुछ सर्टिफिकेट जाली पाए गए, ये उससे संबंधित एक समाचार है। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो 31 जुलाई तक बंद रहने का सरकार ने निर्णय लिया है। अब अमर उजाला का समाचार, अमर उजाला ने भी पाकिस्तान की जो दुर्घटना है उसकी खबर हाईलाइट की है। इसके साथ ही हीरो साइकिल ने चीन को दिए 900 करोड़ के ऑर्डर रद्द किए, ये समाचार जो है, ये ट्रेड स्ट्राइक इसको कहते हैं, जैसे पहले कई तरह की स्ट्राइक का नाम दिया जाता है, वेब स्ट्राइक और ये वो, इस तरह से अब साइकिल जो उनका जो सौदा था वो भी रद्द किया जा रहा है। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार बॉटम से प्रेड है, CBI जज जगदीप सिंह ने लौटाई बुलेट प्रूफ गाड़ी। ये जगदीप सिंह वही जज हैं जिन्होंने सिरसा के बाबा का जो है वो फैसला उनके मामले में दिया था और उनको जेड सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उनकी जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्पीड तो 30-40 किलोमीटर के से ज़्यादा नहीं चल सकती थी। पंचकुला में घूमने के लिए तो चल जाता था काम, लेकिन जब लंबे सफ़र पर जाना होता था तो उनको दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी थी वो छोड़ दी। अब हम चलते हैं दैनिक संस्करण जो हैं, लीडिंग जो दैनिक अखबार हैं उनके जो लोकल संस्करण हैं। पहले हम बात करेंगे जागरण सिटी, ये दैनिक जागरण का लोकल संस्करण है। माता मनसा देवी मंदिर और नाडा साहिब गुरुद्वारे के लिए केंद्र सरकार ने दिए 50 करोड़। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की धार्मिक चीज़ों में खास तौर पर आस्था है, तो इस तरह पर्यटन को भी इससे जो है वो बढ़ावा मिलेगा। देश में चंडीगढ़ में सबसे तेज़ी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज, ये समाचार प्रमुखता से दिया गया है। और चंडीगढ़ में खुलेगा नौकरी को पिटारा, लेक्चरर और हेडमास्टर वगैरह जो खाली पोस्ट हैं वो भरने की बात इसमें कही गई। अब हम चलते हैं आगे चंडीगढ़ केसरी यानी कि पंजाब केसरी का लोकल संस्करण, कोरोना रिकवरी रेट पर चंडीगढ़ नंबर 1, ये समाचार लगभग सभी अर्थ प्रकाश में भी है। और एक बड़ा ही अजीबोगरीब समाचार, कांस्टेबल को धक्का मारकर 22 चौकी से चोर फरार, जीरकपुर से किया गिरफ्तार। ये ऐसी हमारी पुलिस है कि जो अपराधी है वो पुलिस को धक्का देकर भी फरार हो सकते हैं, ये एक बड़ा ही अटपटा सा उदाहरण हमारे सामने है। अब चलते हैं अमर उजाला का जो लोकल संस्करण है माई सिटी, माई सिटी में भी कोरोना ने दिया झटका, चंडीगढ़ प्रशासन को 342 करोड़ का फटका, यानी कि क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से टेस्ट जो थे वो कम आए सरकार के पास, तो इस तरह से 342 करोड़ का जो घाटा प्रशासन को सहना पड़ा है। खरड़ में जो श्रीलंका का मैच बताकर जो खबर पहले भी बता चुके हैं, और इसके साथ ही ट्राई सिटी में कोरोना के 9 संक्रमित मिले। राहत, सरकारी स्कूलों में 9वीं-10वीं में दाखिले के साथ 6 माह की फीस माफ। और अब हम चलते हैं दैनिक भास्कर का जो स्थानीय संस्करण है चंडीगढ़ भास्कर, उसका जो मुख्य समाचार है 7 जुलाई से लखनऊ, पुणे और श्रीनगर के लिए 3 फ्लाइट होगी ऑपरेट। और आगे जो खबर है पंजाब केसरी, पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित है, वहाँ पे अभी तक जो छात्र हैं, हालांकि यूनिवर्सिटी बंद है, विश्वविद्यालय में लॉकडाउन से ही छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन बहुत से छात्र अभी वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उससे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सिर्फ 10-12 लोग ही मैथ्स में खाना खाते हैं, इसलिए जो वहाँ के अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि छात्र अपने अपने घरों में चले जाएँ। तो उसके बाद है पारा 40 डिग्री, उमस ने किया बेहाल, ये मौसम से संबंधित समाचार है। लेकिन साथ ही इसमें सुखद समाचार ये भी कहा गया है कि 3 दिन के भीतर जो है वो राहत के आसार हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो लोकप्रिय समाचार पत्र अर्थ प्रकाश है उसका ट्राई सिटी, ट्राई सिटी का जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और इसके आसपास जीरकपुर या दूसरी जगह जो है उनके समाचार एक समग्र रूप में, एक उपहार के रूप में हम गिफ्ट के तौर पर हम हर जगह भेजते हैं ये समाचार। और दूसरे अखबारों में जो है लोकल संस्करण जो है वो कुछ किलोमीटर तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि हमारा जो लोकल ट्राई सिटी समाचार संस्करण लोकल का है ये हर जगह मुख्य अखबार के साथ, जो हमारा दैनिक अर्थ प्रकाश मुख्य मेन पेपर है उसके साथ ये ट्राई सिटी भी हर जगह जाता है। तो और उससे क्या फ़ायदा है कि दूर दराज बैठे हुए पंजाब हरियाणा में बैठे हुए लोग भी चंडीगढ़ की गतिविधियाँ, चंडीगढ़ के संगठनों की गतिविधियों पर नज़र डाल सकते हैं। तो
इस समाचार पत्र में भी जो लीड है वो शहर में आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, और दूसरी समाचार सेकंड लीड की तरह है, 9वीं व 10वीं कक्षा के स्टूडेंट की फीस माफ़ करने का लिया फैसला। और इसमें जो रोचक समाचार दूसरे समाचार पत्रों में भी होगा, लेकिन इसमें जो बॉटम स्प्रेड है वो बड़ा एक तरह से बड़ा रोचक है, शिवलिंग पर आधुनिक तरीके से होगा जलाभिषेक। आप जानते हैं श्रावण मास में भगवान शिव की खूब पूजा होती है और उस पर जलाभिषेक किया जाता है, लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, लेकिन अब क्या किया है कि कई मंदिरों में एक पाइप लगा दी गई है जो शिवलिंग तक जाती है। आप मंदिर के अंदर नहीं, उसके द्वार के बाहर ही अपना दूध जो दही या जो भी है उसमें पाइप में डालिए, वो शिवलिंग पे वो अभिषेक हो जाएगा। तो इस तरह का ये बहुत ही, और इसके साथ ही मंदिरों के बाहर जो सैनिटाइजर भी लगाए गए हैं, जो बिना हाथ लगाए आप अपने हाथ जो है वो साफ कर सकते हैं। अब हम संक्षिप्त रूप में एक और समाचार की बात, जो कि दैनिक अर्थ प्रकाश का जो है मुख्य समाचार पत्र का बॉटम स्प्रेड है, वो समाचार है बीबीपुर गांव से शुरू हुई बदलाव की कहानी पढ़ेंगे स्टूडेंट। मैं थोड़ा अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को ये थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी ही प्रेरणादायक खबर है जो दूसरे अखबारों में भी थोड़ी बहुत प्रकाशित हुई है। बदलाव की कहानी ये है कि इसके जो कुछ अन्य समाचार पत्रों में भी ये आप देख सकते हैं, जींद का एक गाँव है बीबीपुर, और इस गांव में एक पूर्व सरपंच जो पहले सरपंच हुआ करते थे, उनकी बदौलत राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीबीपुर गांव का जो नाम है, उसकी पहचान है, वो वहां तक पहुंची है। बीबीपुर के जो सरपंच 9 साल पहले थे, 5000 की आबादी वाले इस गांव में सामाजिक बदलाव का अभियान उन्होंने शुरू किया था, जिसका नाम रखा था मिशन पॉसिबल, यानी कि गांवों को शहर की भांति सुंदर सुविधाओं से युक्त बनाने की एक मुहिम। इसके साथ ही हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे, ये वही सरपंच हैं जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर एक अभियान के साथ इस मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी बेटी के साथ फ़ोटो ली और मोबाइल पे डाली और खूब उसका प्रचार हुआ था, और बहुत से लोगों ने उसको फॉलो भी किया आगे। तो इस तरह से ये जो अभियान है ये जोर पकड़ने लगा, और पंचायतों को ऑनलाइन करने की बात और बहुत से विषय जो होते हैं उनका डिजिटल करने की बात इसमें शामिल थी। इतना ही नहीं है, दिल्ली के स्कूलों में तो 10वीं की कक्षा जो है वर्कबुक है उनकी, जो 10वीं कक्षा की, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है ए विलेज नेम्ड बीबीपुर। बीबीपुर ऐसी नज़ीर बना कि केंद्र सरकार ने उनके मुद्दों को देश भर में अपनाने का संकल्प लिया, और सरकार आगे इनको इम्प्लीमेंट कर रही है, वह उस मिशन की जो और बातें हैं उनको दूसरे गांवों में भी लागू किया जा रहा है। जगलान का दावा है कि उनका अभियान जो है वो 70 देशों तक, भारत के अलावा ये अभियान तो 70 देशों तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं, एक और संदेश आपको मैं देना चाहूँगा कि अर्थ प्रकाश को आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वेब टीवी और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।